सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकार जब भोलेपन के रूप में जलवा नुमाई करता है तो बड़े बड़े बाजीगरों को मात कर देता है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जो फरिश्ता लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई भी उसे जान नहीं सकता। अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी को लेकर बाजार में फिर। जब तू किसी नामहरम को नहीं देखता तो कोई तेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी को भी नहीं देखेगा, और ये फितरत का अटल असूल है। निदामत भी गुनाह का एक उम्मीद अफजा कफारा है। हर कोई ये सोचता है कि मैं इससे क्या काम ले सकता हूँ, ये सोचो कि मैं इसके किस काम आ सकता हूँ। नफ्स किसी का भी हो, हमेशा हराम ही की तरफ मुतवज्जा रहता है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की राह पर चलना शुरू कर दो। बात गौर से सुना करो, बाज़ बातें बातों का हासिल होती हैं और सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल और बोलते बोलते बोली जाती हैं, दोबारा बोले तो बोली नहीं जाती और इनमें हकीकत फोत हो जाती है। तवज्जा किसी की भी हो, तासीर रखती है। मोहब्बत में वफा के लिए की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।